Good morning, Teresians. Today, I welcome you all in the online class. We are going to study English of class 4th. Before starting chapter number 4, there is a small poem, and the title of the poem is These Gentle Giants. And the name of the poet is Ruskin Bond. So, first of all, I will read this poem for you. These gentle giants, these friends of man, please give them all the space you can to play and bathe and simply roam in this their ancient land and home, and may their trumpet call be known to one and all, to you and me, unshackled, free. So, dear Teresians, you can easily get the idea from the poem that it is related to elephants, right? So, gentle giants is the word related to elephants. Now, as we know, the coexistence of human and animal, and how animals are an essential part of our planet, humans have taken away much of the habitat of animals. We must value animals and give them enough space to thrive. So, हमें मालूम ही है कि पहले के समय में, प्राचीन समय से, जो मनुष्य है और जो जितने भी जानवर हैं, वो सब क्या करते थे? साथ में रहते थे धरती के. और अब धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जैसे जैसे इंसान ने नई नई चीज़ें बनाई, उन्होंने क्या किया? डीफॉरेस्टेशन किया, सारे के सारे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जिससे फॉरेस्ट एरिया यानी कि जो वन क्षेत्र था वो क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, कम होता चला गया. और नाउ पोएट क्या कहना चाहते हैं कि हमको इन जेंटल जाइंट्स से यानी कि एलिफेंट्स के लिए हमको जगह बनाए रखनी चाहिए ताकि ये क्या कर सकें? प्ले करें, बेदिंग करें, अपना रोमिंग करें, घूमें फिरें, है ना? ऐसा नहीं कि हम इनके जंगल भी इनसे छीन लें, वरना ये जो इतने अच्छे हैं, इतने जाइंट होने के बावजूद, इतने बड़े साइज़ के होने के बावजूद, ये जो इतने जेंटल एनिमल्स हैं, ये कहाँ जाएंगे, राइट? तो अब हम इस पोएम को लाइन वाइज समझेंगे. वी विल अंडरस्टैंड द पोएम. These gentle giants, that means these kind animals. Giant means big size. आपको तो मालूम ही elephants कैसे होते हैं, giant होते हैं. These friends of man. So we know that elephants are the friends of man. Right? आपने देखा भी है temple में, और वैसे भी महावत को चलाते हुए हाथी को देखा है ना. So they are very friendly. These gentle giants, these friends of man, please give them all the space you can. So please give them all the space you can means कि आप इनको उतनी जगह दो जितनी इनको ज़रूरत है. To play and bath and simply roam, ताकि ये लोग भी खेल सकें, ये animals भी नहा सकें तालाब में, इनके आसपास क्या हूँ वाइड एरिया हो खेलने के लिए, बादिंग करने के लिए, बेदिंग करने के लिए, देन रोमिंग करने के लिए. रोम मीन्स टू मूव अराउंड फ्रीली. इन दिस देयर एंशिएंट लैंड एंड होम. नाउ रस्किन बॉन्ड द पोएट वांट कि ये क्या करें, अपने वेरी ओल्ड लैंड में, एंशिएंट मीन्स जो ये हमेशा से जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर ही अभी भी उसी तरह से खेलते रहें. And may their trumpet call be known. और कितना मज़ा आए हमें दूर से ही, दूर के जंगलों में हाथियों की आवाज़ें अगर आएँ, right? So the sound of the elephants is called trumpet. तो trumpet call be known, ऐसा अच्छा लगे ना, कितना, to one and all, to you and me. और poet is saying कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही आवाज़ सुने, सबको, पशु पक्षियों की, चिड़िया की चहचहाहट, एलिफेंट्स की नॉइस, ट्रम्पेट, राइट? हमको नेचर की क्या मिले, जितने भी जीव जंतु हैं उनकी आवाज़ सुनाई दें अपने चारों ओर. टू वन एंड ऑल, टू यू एंड
मी अनशैकल्ड फ्री. अनशैकल्ड मीन्स फ्री, जिस पे कोई भी पाबंदी ना हो, सब लोग क्या रहें, आज़ाद रहें. सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्मॉल पोएम. यू ऑल्सो रिसाइट दिस पोएम. इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 42. नाउ साइड बाय साइड वी विल ऑल्सो सॉल्व दी बैक एक्सरसाइज. सो लेट्स सॉल्व बैक एक्सरसाइज ऑल्सो. आफ्टर रीडिंग अ पोएम, नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व filling the blanks, filling the blanks with the word from the poem. First is elephants are dash of human beings. Yes, elephants are friends of human being. Second, elephant needs space to dash, dash and dash. So elephant also needs space to play, bath and roam. Easy na? These all questions are related to poem. Third is, this land is their home because they have lived here since old times. Old means ancient times. Now fourth, dash is the call of an elephant. I told you, what is the name of the call of the elephant? Trumpet. Yes, trumpet is the call of an elephant. Fifth is, elephant should be allowed to roam around dash and free. Yes, you'll see the last line. Elephant should be allowed to roam around unshackled and free. You write down the word unshackled. Now moving towards next question. Pick out the pair of rhyming words from the poem. Write one more rhyming word of your own. तो आपको क्या करना है, इसमें rhyming words ढूंढने हैं. Rhyming मतलब जिनका same sound हो. जैसे first is roam. See the fourth line of the poem. Roam. There is a last word, roam. And next is, last word is home. So you write roam, home and form new another word. Another rhyming word is foam. So write in the book only roam, home, foam. Second is man. Yes, word given on the second line of the poem. Can, third line of the poem. And man can, and new word is fan. So write these three words in your book. Let's move to next question. Match up the animals with the sound they make. This is a very good question. There are so many animals in the first row. You can see bear, geese, bats, monkey, parrot, right? And the name of their sound is bear. Yes, bear. The name of the sound is grow. Bear, growl. Then there is a word growl. L is behind the orange box. Geese. Yes, geese honk. Now third is bats. Third is bats. Bats means screech. Fourth, monkey. Monkey, and the name of the sound is monkey chatter. Chatter box. जैसे बोलते हैं ना आपको भी मैम कभी कभी, chatting box. Like monkeys chatter. And parrots. Yes, parrot, the name of the sound is squawk. Yes, so I repeat, bears growl, geese honk, bats screech, monkeys chatter, parrots squawk. Use notebook. Now it's time to solve question number D. Answer these questions. You are supposed to note down these questions in your fair notebook also. Before this, let me explain you. First question is, why does the poet call the elephants gentle giant? जो poet है
वो एलिफेंट्स को जेंटल जाइंट्स क्यों कहता है? द एलिफेंट्स आर बिग एनिमल्स एंड द पोएट सीज देम एज अ जेंटल क्रिएचर हु डू नॉट हार्म अदर. सो पोएट कॉल द एलिफेंट्स एज जेंटल जाइंट्स बिकॉज दे डू नॉट हार्म देम. ओके, क्योंकि वो बड़े तो हैं पर वो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई आर एलिफेंट्स नॉट एबल टू रोम फ्रीली. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई एलिफेंट्स आर नॉट एबल टू रोम फ्रीली. रोम मीन्स टू मूव हेयर एंड देयर. एलिफेंट्स आर नॉट एबल टू रोम फ्रीली बिकॉज फॉरेस्ट आर बींग क्लियर्ड. फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं? कट डाउन हो रहे हैं. नाउ दिस चैप्टर इज कम्प्लीट. आई होप यू लाइक द पोएम एज वेल एज योर बैक क्वेश्चंस. इवन देन इफ देर इज एनी डाउट्स और क्वेरीज यू कैन मैसेज मी. एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पोएम लाइक द वीडियो. एंड इफ नॉट देन डू राइट योर डाउट्स इन योर इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन. एंड आई विल सेंड यू द PDF ऑल्सो इन द स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक यू चिल्ड्रेन. Take care, stay safe, thank you.